दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज हम गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। जब भी बहुपद का गुणनखंड करना हो तो उसे किसे आसान तरीके से समझा जाए, कैसे आसान तरीके से सीखा जाए, उस गुणनखंड को निकालना बहुत इजी काम होता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको गुणनखंड करना सिखा देंगे। ए टू जेड क्वेश्चन आप खुद से करने लग जाओगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर आपके सामने एक बहुपद दिया है जो कि है, जिसका आपको गुणनखंड करना है। वो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ। ये एक बहुपद है जो द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक्स की अधिकतम घात दो है, तो ये एक द्विघात बहुपद हुआ। अब आपको यहां पर सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जो नंबर होता है, यहां तो कुछ नहीं है तो हम एक मानेंगे, सबका मालिक एक। एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी नंबर होता है उसका आखिरी में जो भी नंबर है उससे गुणा कर लो, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो। कर देते हैं मल्टीप्लाई, एक का आठ से गुणा करेंगे तो एक का आठ से गुणा करने पे आ जाएगा आठ ही आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं गुणनखंड में, सेकंड स्टेप हम ये करते हैं कि जो आपका गुणा करने पे नंबर आया है, जो आठ आया है, आठ किस किस के पहाड़े में आता है वो सारे नंबर नीचे लिख देते हैं। आठ आता है भैया दो के पहाड़े में, आता है कितनी बार में, चार बार में आठ। एक के पहाड़े में भी आता है आठ बार में आठ, और बताइए किसके पहाड़े में आता है, चार के पहाड़े में तो दो बार में आता है आठ, वो भी हो गया। आठ के पहाड़े में एक बार में आता है आठ, ये भी हो गया। और किसी के पहाड़े में आठ आता है क्या, तो नहीं, बस ये दो फैक्टर ही अभी तो बन रहे हैं हमारे सामने। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब आपने ये जो दो लाइन बनाई है कि आठ के क्या क्या गुणनखंड है, दो और चार एक गुणनखंड है, एक और आठ दूसरा गुणनखंड है। अब ये जो दो लाइन आपने लिखी है इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो दो और चार है क्या इनको जोड़ने या घटाने पे बीच का टर्म यानी मिडल टर्म यानी ये वाला जो वैल्यू है वो आ रहा है क्या। तो इनको पहले जोड़ लो, दो और चार का गुणा करने पे तो आठ आ रहा है, इनको जोड़ के देखो, दो और चार को जोड़ेंगे तो छः होता है, जो कि बीच में बिल्कुल भी नहीं है। अब घटा के देखो, दो और चार को घटाएंगे तो चार में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, दो बचेगा। मतलब चार और दो ऐसे नंबर हैं जिनका गुणा करने पे तो आठ आ रहा है और इन दो नंबर को घटाने पे कितना आ रहा है, बीच का टर्म आ रहा है जो कि दो लिखा है। तो यहां से दिमाग की बत्ती ऐसे जलनी चाहिए कि गुणा करने पे आठ और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या फिर घटाने पर बीच का मिडल टर्म यानी कि दो। ठीक है, ये जो दो है वो आ रहा है इनको घटाने पे, चार और दो का गुणा करने पे आठ और इन्हीं दोनों नंबर को घटाने पे दो। तो यहां पर ये चीज हमें रफ में करनी है, जो भी हमने ये दिमाग में सोचा है ये सब रफ में करना है। अब आगे आ जाइए अपने क्वेश्चन पर वापस से, आपने जो भी चीज मन में करी है उसको यहां पर अप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, यहां ये दो है ना इसी को आपने बदला है, एक्स है तो हम बाहर एक्स लिख देंगे, माइनस का आठ है तो माइनस का आठ एज इट इज लिख देंगे। अब मैंने क्या कहा, इस दो को आपने बदला है, इस दो को आपने क्या लिख दिया, इस दो को आपने देखो ये लिखा है चार माइनस दो, क्या लिखा है, इस दो को लिख सकते हैं चार माइनस दो। देखिए अभी भी ये पूरा बहुपद बैलेंस है, संतुलित है। कैसे संतुलित है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इनको सॉल्व करने पे दो एक्स आना चाहिए तो चार में से दो गए तो दो और एक्स तो बाहर है ही, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, इस दो को हमने ब्रैकेट में लिख दिया चार माइनस दो, क्योंकि चार में से दो गए तो दो ही तो बचेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे ये किया। यानी हमारा काम यहाँ पर हो गया, इन दो नंबर का गुणा करने पे आठ आ रहा है जो लास्ट में लिखा है और जोड़ने या घटाने पे बीच का टर्म आ रहा है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस का चार एक्स आ जाएगा, माइनस चार और एक्स का गुणा करने पे आ गया माइनस चार एक्स। अब माइनस माइनस प्लस का दो और बाहर है एक्स यानी प्लस का दो एक्स, माइनस आठ वैसा का वैसा ही। अब मैं थोड़ा इधर का मिटा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अभी हमने क्या किया दोस्तों, अभी हमने किया ये कि ये ब्रैकेट के बाहर एक्स और माइनस लिखे हुए थे, इन दोनों का हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई गुणा कर दिया है। गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या बताइए। हाँ सर, यहां से भी एक्स लिया जा सकता है, यहां पर भी एक्स लिया जा सकता है, एक्स को कॉमन कर देंगे तो यहां पर बचेगा सिंगल एक्स, माइनस यहां से भी एक्स कॉमन ले लिया मतलब एक्स हट गया यहां से,
ठीक है, तो यहां बचा चार। अब यहां से देखो, दो के पहाड़े में दो भी आता है और दो के पहाड़े में आठ भी आता है। दो का पहाड़ा यहां पे कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहां प्लस का दो। दो का पहाड़ा कॉमन लिया तो दो तो कॉमन ले लिया, यहां बचेगा एक्स, माइनस है तो माइनस। दो के पहाड़े में आठ कितनी बार में आता है, चार बार में, दो चौक आठ। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या, भाग देना होता है। दो से आठ को भाग दिया तो यहां पे आया चार आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस चार यहां पर भी है, एक्स माइनस चार यहां पर भी है, तो इस पूरे को हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस चार को कॉमन कर दिया। अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस दो बचा हुआ है, क्या बचा है, एक्स प्लस दो, और यही आपका गुणनखंड निकल के आ चुका है। दोस्तों इस बहुपद का गुणनखंड करना इतना आसान काम होता है। सबसे पहले पहले और आखिरी नंबर का गुणा कर लो, एक का आठ में गुणा किया तो आठ आ गया। उसके बाद हमने ये नंबर सोचा कि गुणा करने पे तो आठ आ गया, जोड़ने और घटाने पे बीच का टर्म आना चाहिए, तो गुणा करने पे चार और दो को आठ आ जाता है, और इन्हीं दो नंबरों को घटाने पे दो आ जाता है, जो कि मिडल टर्म है। उसके बाद हमने उस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इस रूप में लिख दिया चार माइनस दो। इस दो को हमने चार माइनस दो के फैक्टर के रूप में लिख दिया, फिर एक्स और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करवा दिया, और जो चीजें कॉमन जा रही थी उन्हें कॉमन लेते चले गए, और हमारा गुणनखंड निकल के आ चुका है। गुणनखंड निकला एक्स माइनस चार गुणा में एक्स प्लस दो। तो इस तरीके से आप गुणनखंड को सॉल्व करते हो किसी भी बहुपद के। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, सूत्र विधि रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।